जय सियाराम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मेरा प्रकट दिवस है। एंड आज का प्लान तो बहुत कुछ है, बट देखते हाउ इट गोज। सो अभी तो मैं नहा धो के आपके समक्ष हूँ। पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। ब्रेकफास्ट करने के पश्चात मंदिर जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स वो भी आपको दिखाएंगे। एंड मंदिर से आने के बाद लेट्स सी व्हाट वी डू। सो ये है आज का बर्थडे ब्रेकफास्ट, एज यू कैन सी। तो यही हम खाते हैं बेसिकली, जितने भी ऑस्पिशियस सेलिब्रेशंस होता है उसके लिए दिस इज़ द फूड व्हाट यू ईट, यू नो। खीरा, खीरा ही बोलते हैं ना क्यूकम्बर को, लूची एंड तरकारी। तो ज़्यादा पकेंगे नहीं इसको, भोजन को ग्रहण करेंगे, उसके पश्चात आपसे मिलते हैं। हरी बोल। तभी हम टेस्ट करके देखेंगे आपके समक्ष, क्योंकि माई माताश्री इज़ द बेस्ट शेफ इन द वर्ल्ड, मैं क्या ही बताऊँ। फर्स्ट बाइट लेने वाले हैं एज यूजुअल। एंड बाय द वे, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। एकदम ढीला ढाला कपड़ा, विच इज़ गुड फॉर योर बॉडी एंड कम्फर्टेबल फॉर यू इन दिस समर। यार मतलब बाहर बारिश भी है और बेकार गर्मी भी है, क्या ही बताए। एज यूजुअल थोड़ा लेट हो गया है, पर मैं अभी जा रही हूँ नीचे। तो तीन मंदिर जाएंगे एंड उसके बाद जो केक हम मर्डर करेंगे उस केक को भी लाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग डाउन एंड यू कैन लिटरली सी मी, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। अब चलो जल्दी से नीचे जाते हैं, नहीं तो पिताश्री मार देंगे, मार डालेंगे। नीचे ऑफिस में जो हमारा ये मंदिर है ना, इधर भी भगवान शिव को, भोलेनाथ को, फिर गणेश जी, लक्ष्मी माँ, राधा कृष्ण को फूल से सजाया गया, क्योंकि इट्स माय बर्थडे एंड आल्सो बजरंग बली। तो इधर है पूजा की सामग्री, फूल, मिठाई जो हम मंदिर में ले जाने वाले हैं। চৈতন্য মই তোর ভাব সাগরে ভেসে আমি, তোর ভাব সাগরে ভেসে আমি, হব মা তোর পদাশ্রয়ী। আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্য। मंदिर दर्शन तो समाप्त हो गया, अब मेरे पिताश्री गए हैं केक खरीदने के लिए, मतलब केक लाने के लिए। ऑर्डर तो पहले से दिया हुआ था, मैं नहीं गई क्योंकि सरप्राइज देना है ना। आ रहा है अभी। एंड इट्स रेनिंग आउटसाइड लिटिल बिट, मतलब हर साल मेरे प्रकट दिवस के दिन बारिश होती है, पता नहीं क्यों, वेरी सैड। আজকে খুব ভালোবেসে করেছে, গিয়ে ভেজে করা হয়েছে। Thank you.
दिस इज द कंडीशन ऑफ माई फेस राइट नाउ. आई हैव अप्लाइड दिस थिंग और मैं ना आपको दिखा दूंगी मैं क्या अप्लाई किया है मैंने. एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन. मतलब जो एक हल्का सा जो टैनिंग रहता है ना, एक ब्लैकिश जो एक टोन रहता है वो पूरा उठ जाता है आफ्टर अप्लाइंग दिस, क्योंकि इसमें मैदा है. सो इसको उठाने के बाद आई शो यू द रिजल्ट. बर्थडे टिप्स, यस, इसमें दूध, मैदा, ओट्स एंड हनी है. एंड इफ़ यू अप्लाई दिस, वो जो एक सडन टैन होता है ना फेस पे, इट गोज अवे. सो ये आप ट्राई कर सकते हैं. दिस इज लिटरली व्हाट यू गेट टू सी, यू नो. अगर तब का फेस देखा होगा सो इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ टोन ऑन माय फेस, लेकिन अब इट्स टोटली गॉन. हनी और मैदा यूज करोगे तो अच्छा होगा. तो अभी का प्लान यही है कि मैं पार्लर जा रही हूँ, ब्यूटी पार्लर, फॉर गेटिंग रेडी. ड्रेस तो मैंने पहन लिया है, अब जाके थोड़ा मेकअप करेंगे. मैंने खुद का चीज ले लिया है. And they will just help me with getting ready. Let's see how it goes. Chalo. Hello, to bol. Hello, bol. Aaye na aaye. Hai bol. Ki bol. Kichu bol. Kichu bol. Ki. Kichu. Eto to bol. Aaj ke birthday ache. Bol. Bol aaj ke. Aku bol ani ke bol. देखते पाबी माताश्री इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. चूल खुलवाना. आई एम ऑल्सो रेडी. हाय दीदान. माताश्री हाय. बू तो अंधकार ढेके गेछे पुरो. पिताश्री इज ड्राइविंग द कार एंड वी आर गोइंग टू द होटल, नहीं रेस्टोरेंट, सॉरी. चश्मा खुलले भाल लग जाए. घूमते घूमते रात 9 बजे हम पहुंच गए JW मैरियट, जहाँ पे जाके हम हमारे उत्पत्ति दिवस को सेलिब्रेट करेंगे स्वयं के परिवार के साथ. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. And here I am, a plate full of carbs, carbohydrates, fats and everything. परंतु हमें तो खाना ही है. इधर आप देख सकते हैं मैंने ले लिया एक बटर नन विद बटर पनीर, और इधर एक अचार सॉर्ट ऑफ है. एंड ऑफ कोर्स आइसक्रीम और पेस्ट्री के बिना हम भोजन शेष कैसे कर सकते हैं, है ना. और इधर आप ये सुंदर दृश्य देख सकते हैं जहाँ पे माय लिटिल ब्रदर इज़ एंजॉयिंग कोकोमेलन बाय हैविंग हिज फूड. इसको हज़ार बार पुकारने के पश्चात भी इसने घूर के एक बार भी नहीं देखा. सिस्टरहुड, यू नो. यार इतने सुंदर रेस्टोरेंट में आके बैक कैमरा करके स्वयं का वीडियो और फोटो ना खींचिए, कभी हो सकता है क्या. अभी हम आ गए हैं छत पे, विच इज़ ऑल्सो हैविंग अ इन्फिनिटी पूल. और सच बताओ तो हम जब वाइजैग में गए थे ना, वी स्टेड इन नोवोटेल, और नोवोटेल में जो पूल था ना, इट वॉज एग्जैक्टली लाइक दिस वन. एंड उसका जो इंटीरियर भी था ना इनसाइड द पूल एरिया, इट वॉज ऑल्सो सेम एज दिस. तो कितना सही है ना. तो अभी फोटो सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन माय माताश्री एंड मासी. माना आमाके तुले दाओ प्लीज. कोई नहीं है, कभी कभी मन करता है कि खुद के शरीर के अंदर जो आत्मा ना है उसको निकाल के अपना फोटो खींचूं, तब जाके होगा कुछ. ये जो मेरे पीछे वाला बैकग्राउंड है ना, दिस इज़ लाइक टू अमेजिंग. एंड आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कहाँ पिक्चर क्लिक करूँ तो सही पिक्चर आएगा, बट आई एम स्टिल फिगरिंग आउट, यू नो. मतलब लाइट्स और जगह इतना सही है ना,
मैं क्या ही बताऊँ. एंड यू कैन सी दिस लिप्स राइट ओवर हियर. भाई कितना सुंदर है. Take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la. Love me like you do, love me like you do, la la. Love me like you do, touch me like you do, ta ta. Touch me like you do. तो हमको दिया गया है चैरिटेबल मैरिट से एक केक जो हमने नहीं काटा है उधर. घर जाके नहीं काटेंगे, कल खाएंगे इसको. दीदान हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस कैमन छिल? वेरी नाइस, वेरी नाइस. मा तोमार खूब ভালো. দিবু আরো আর বাবা তোমার ফাইন? ইট ওয়াজ রিয়েলি অ্যামেজিং. मेरा जो बर्थडे केक था वो तो अपने घर से ही, मतलब वी टुक इट फ्रॉम हियर ओनली, बट उधर जाके ऑल्सो वी गॉट अ केक फ्रॉम जे डब्ल्यू मैरियट, यू नो, फ्रॉम द जे डब्ल्यू बेकरी. अब इसको ना खोल के देखते हैं. ओके लेट्स सी. ना देखता है किस बॉक्स में कैसा केक है, यू नो. बहुत बढ़िया. आई मीन इतने बड़े बक्सा में इतू सा केक, आप समझ सकते हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. लेकिन जो भी हो, मिला है केक, ये इनफ है. थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन हु विश्ड मी एंड हु प्रेड फॉर मी. इट रियली मीन्स द वर्ल्ड, लिटरली द वर्ल्ड टू मी, एग्जैक्टली दैट. एंड आई एंजॉय द डे वेरी मच. बहुत 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 फार के इन्जॉय किया आज, और बहुत ठूस भी लिया है जिसके कारण पेट पूरा एकदम फूड बम्प हो गया है. मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट विच आई कैन नॉट होल्ड माई सेल्फ फ्रॉम शेयरिंग इज, मैं जब मैरियट पहुंची ना, सो वी गॉट बिजी इन क्लिकिंग पिक्चर्स एंड ऑल दिस स्टफ. और जहाँ से लोग अंदर आ रहे थे दैट गेट, आई सॉ समवन हुम आई रिकॉग्नाइज्ड अ बिट, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था ये बंदा है कौन. फिर वो जब अंदर आया तब मैंने रियलाइज़ किया यार ये तो रणवीर ब्रार है. लेकिन फुद्दू मैं जाके एक फ़ोटो भी नहीं खींच पाई एंड द गाय वेंट आउट, बट आई लिटरली सॉ रणवीर ब्रार टुडे. आई एम सच अ बिग फैन ऑफ हिम, ऑफ हिज कुकिंग्स, बिकॉज आई एम अ ग्रेट फूड, यू नो दैट. सो this was all for today. Hope you guys enjoyed it. If so, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel, and also let me know about this video in the comment section. Video milte aap se bahut shighri. Tab tak ke liye jai Siya Ram, Har Har Mahadev, Vande Mataram.